हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ राकेश और स्वागत है तमारू मारा किचन में। फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे नाग पांचम स्पेशल कोलेना लाडू की रेसिपी शेयर करवानुं छुं। फ्रेंड्स, आ कोलेना लाडू बनावा माटे मैं एक सीक्रेट सामग्री उमेरी छे। जे सीक्रेट सामग्री उमेरीने तमे जो आ कोलेना लाडू बनावशो तो तमारा लाडूनो स्वाद 100 गणो वधी जशे। अने जे लोकोने कोलेना लाडू नहीं भावता होय ए लोको आ कोलेना लाडू मागी मागीने खाशे। तो चलो इस सीक्रेट सामग्री साथे आज आपणे कोलेना लाडू बनाववानुं शरू करीए। नाग पांचम स्पेशल कोलेना लाडू बनावा माटे सौथी पहला अहींया मैं एक मिक्सिंग बाउल लीधो छे। तेमां आपणे सौथी पहला उमेरीशुं अर्धा कप जेटलू मेल्टेड घी, एटले के आपणे ओगाडेलू घी लीधुं छे। आ घरनुं बनावेलू घी छे। हवे आपणे तेनी साथे उमेरी दईशुं अर्धा कप जेटलो गोळ। ग्राम में जुओ तो 125 ग्राम जेटलो छे अने गोळने मैं छीणीने लीधो छे, जेनाथी ते आपणा घी साथे सरळताथी मिक्स थई जाय। हवे गोळ उमेर्या बाद आपणे तेमां आपणुं सीक्रेट सामग्री उमेरीशुं, जे छे मावो। अत्यारे मैं मोडो मावो लीधो छे अने आ मावाने मैं छीणीने लीधो छे। आ लाडूनी अंदर तमे मावो उमेरशो तो तमारा लाडू एकदम स्वादमां सुपरथी पण उपर बनशे अने जे लोकोने आ लाडू नहीं भावता होय ते लोकोने पण आ लाडू खूब भावशे। हवे आपणे घी, गोळ अने मावाने आ रीते सरखी रीते मिक्स करी लेवाना छे, जेनाथी बधी सामग्री एकबीजा साथे खूब सरस रीते मिक्स थई जाय। तो हवे आ रीते आपणे तेने मिक्स करता जईशुं। हवे तमे जोई शको छो कि आपणी बधी सामग्री खूब सरस रीते मिक्स थई गई छे। हूँ तमने तेनुं टेक्स्चर नजीकथी पण बतावुं छुं एटले तमने आइडिया आवी जाए कि आपणे केवी रीतनुं राखवानुं छे। तो तमे जोई शको छो कि घी, गोळ अने मावो त्रणेय एक सरखा मिक्स थई गया छे। हवे आ मिक्स करेला मिश्रणमां आपणे 1 कप जेटलो बाजरीनो लोट उमेरीशुं। अत्रे मैं ताजो दळावेलो बाजरीनो लोट लीधो छे, जेने मैं चाळीने लीधो छे। ग्राम में जुओ तो 250 ग्राम जेटलो छे। हवे बाजरीना लोटने आपणे घी, गोळ अने मावाना मिश्रण साथे आ रीते मिक्स करी लईशुं। फ्रेंड्स, आ नाग पांचम पर स्पेशल बनाववामां आवता होय छे लाडू, परंतु ज्यारे तमने कंईक इंस्टंट स्वीट खावानी मन थाय त्यारे तमे झटपट आ लाडू घरे बनावी शको छो। घरमां रहेली सामग्रीमांथी आ झटपट फक्त 3 કે 4 मिनिटमां ज बनी जता होय छे। हवे आपणे आ बधा मिश्रणने त्यां सुधी मिक्स करवानुं छे ज्यां सुधी आपणे तेने लाडू बनावी न सकीए तेवी कन्सिस्टन्सीमां न आवे। तो अत्यारे तमे जोई शको छो कि लाडू वळी रह्या छे, एटले आपणी जे कन्सिस्टन्सी जोईए छे मिश्रणनी ते परफेक्ट छे। तो हवे आपणे आ मिश्रणमांथी लाडू बनाववानी प्रोसेस जोईशुं। आ लाडूने तमे हाथेथी गोळ शेप आपी लाडू बनावी शको छो, परंतु आज आपणे मोल्डथी लाडू बनावीशुं। तो अत्यारे लाडू बनाववानुं आ रीतनुं मैं एक मोल्ड लीधुं छे, तेनी अंदर आपणे लाडू माटेना मिश्रणने राखी दईशुं अने अंगूठानी मददथी आ रीते मिश्रणने आपणे प्रेस करता जवानुं छे, जेनाथी लाडूनो खूब सरस शेप आवे। तो हवे तमे जोई शको छो कि लाडू माटेनुं मिश्रण आपणे मोल्डमां आ रीते पेक करी दीधुं छे। परफेक्ट आपणो लाडूनो शेप आवी गयो छे। तो हवे आ लाडूने आपणे मोल्डथी अनमोल करीशुं। तो आ रीते प्रेस करता जवानुं अने थपथपावता जवानुं, जेनाथी लाडू अनमोल थई जशे। तमे जोई शको छो कि खूब सरस डिजाइन आवी छे लाडूनी अंदर अने जोता ज खावानुं मन थई जाय तेवो छे। तो हवे आ ज प्रोसेसथी आपणे बाकीना लाडूने तैयार करीशुं। तो अत्યારે હું એક બીજું નાનું મોલ્ડ લઉં છું, તેનાથી પણ આપણે લાડુ તૈયાર કરીશું। તો આપણે લાડુ માટેનું મિશ્રણ લઈશું અને આ રીતે અંગૂઠાની મદદથી તેમાં પ્રેસ કરતા જઈશું, જેનાથી લાડુનો ખૂબ સરસ શેપ આવે। હવે આપણે તેને આ રીતે અનમોલ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે નાનો લાડુ પણ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે। તો હવે આપણે તેને પ્લેટમાં લઈશું અને આ જ પ્રોસેસથી આપણે નાના અને મોટા લાડુ તૈયાર કરી લઈશું। तो हवे आपणे बधा लाडू तैयार कर्या छे। तमे जोई शको छो आपणे जे मापथी लाडूनुं मिश्रण बनाव्युं हतुं ते मापथी नाना ने मोटा थई 8 लाडू तैयार थया छे। तमे पण आ मापने फॉलो करशो तो तमारा आटला ज तैयार थशे। हवे आ लाडूने आपणे सर्विंग प्लेटमां लई सर्व करीशुं। तो तमे जोई शको छो कि अत्यारे लाडूने मैं गुलाबनी पाकळीथी गार्निश करी सर्विंग प्लेटमां सर्व करी छे। तो फ्रेंड्स, तैयार छे આજની આપણી આ રેસિપી कोलेना लाडू, जे स्पेशल नाग पांचम पर बनावामां आवता होय छे। तमे एम पण आड़े दिवसे आ घरे बनावीने खाई शको छो। जो तमने रेसिपी गमी होय तो रेसिपीने लाइक करजो, शेर करजो अने कमेंट करवानुं भूलता नहीं। तो फ्रेंड्स, हवे आपणे कावी नवी रेसिपी साथे मळीशुं। त्यां सुधी आवजो।